हेलो दोस्तों, मैं सोनी का और आज मैं आपको बताऊंगी अगर कोई अनजान लड़की आपको पसंद करती है तो ये इशारे ज़रूर करेगी। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पे हैं। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी अननोन लड़के की फीलिंग्स को समझ पाओगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब किसी के सामने जाते हो, कई बार आपके साथ भी हो जाता है कि आपका अट्रैक्शन या आप किसी ऐसी लड़की को पसंद करने लगते हो जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हो, आप बस उसे देखते हो। तो ऐसी अगर कोई लड़की आपको पसंद करने लगी है जिससे आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है, तो आप इन इशारों के ज़रिए उसकी फीलिंग को समझ सकते हो कि वो अनजान लड़की आपको पसंद करने लगी है। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं अनजान लड़की आपको पसंद करती है तो ये इशारे ज़रूर करेगी। सबसे पहला जो इशारा ये है कि अगर कोई अनजान लड़की आपको पसंद करती है तो वो आपके सामने आपको देखते ही इनोसेंट सा बिहेव करने लगेगी, लाइक जैसे कि वो होती नहीं है वैसी उस तरीके से बिहेव करेगी जिससे आपको उसे देखने के लगेगा, जब आप उसे देखोगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत सीधी सी है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट सी है, कुछ भी नहीं जानती है। तो इस तरीके का रिएक्ट करेगी और ये बिहेवियर उसका दिन पर दिन बदलता जाएगा। जैसे ही आप उसको देखोगे, आप उसे नोटिस करोगे तो ये चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, उसका टेंशन या उसकी फीलिंग्स आपको लेकर हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई अनजान लड़की आपको पसंद करने लगी है तो वो आपको ये इशारा भी ज़रूर करेगी, लाइक आपको देखकर स्माइल करना, ठीक है, मुस्कुराना, जो कि नॉर्मली आमतौर पर अक्सर लोग करते हैं कि अगर वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसे देखकर ये जताते हैं कि वो उन्हें मन ही मन लाइक करते हैं। और जब वो उनके सामने आते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप ही बन जाती है, उनके चेहरे की खुशी, जो उनके मन में खुशी होती है वो उनके चेहरे से अपने आप ही झलकने लगती है। तो इस चीज़ से उनके स्माइल को देखकर भी आप नोटिस कर सकते हो कि वो आपको पसंद करने लगी है। बट एक बार से नहीं, अगर वो ऐसा कंटिन्यू कर रही है, जब आप उसके सामने जा रहे हो बार बार, अगर वो आपको देखकर इस तरीके रिएक्ट करती है, स्माइल देती है आपको, तो चांस ज़्यादा है कि वो आपको पसंद करती हो। इसके अलावा नेक्स्ट आ रहा है कि अगर कोई अनजान लड़की या अननोन लड़की की फीलिंग्स आपको लेकर बढ़ने लगी हैं तो वो बार बार आपके सामने आएगी, बार बार आपके आसपास आने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से आप उसे देखो या आप उसे नोटिस करना शुरू करो कि वो लड़की आपको बार बार देखती है। क्योंकि ऐसा आपके साथ भी तो होता होगा कि जब आप किसी को पसंद करते हो तो आप भी तो यही कोशिश करते होगे ना, किस तरीके से आप उसे देख पाओ, आप उसके सामने जाओ, ठीक है। तो कोई ना कोई बहाना बनाकर वो आपके सामने या आपके आसपास रहने की कोशिश करेगी, तो ये भी एक साइन है कि उसके फीलिंग्स आपको लेकर बदलने लगी हैं, वो आप में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा नेक्स्ट साइन ये है कि अगर कोई अनजान लड़की आपको पसंद करने लगी है तो वो आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने लगेगी। अब नज़र रखने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको नोटिस करना, नहीं, नज़र रखने का मतलब है कि आप किस लड़की से बात करते हो, किस लड़की के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, इन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा जानने की कोशिश करेगी, ठीक है। आप पे नज़र रखेगी, आपका किन किन लड़कियों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, कितने आप ज़्यादा किन किन लड़कियों के ज़्यादा क्लोज हो, तो इस पर वो पूरी नज़र रखेगी। तो ऐसा अगर लड़की की तरफ से आपको साइन मिल रहे हैं तो चांस ज़्यादा है कि वो आपको मन ही मन पसंद करती हो। इसके अलावा एक साइन ये भी है कि अगर कोई अनजान लड़की आपको पसंद करने लगी है तो वो आपको देखते ही एक तरह से इस तरीके की हरकतें करेगी, जैसे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप समझ सकते हो, लाइक जैसे कि आपको देखते ही अचानक से अपने कपड़े ठीक करने लगना, अपने आप को संवारने लगना, अपने बालों को ठीक करना, इस तरीके रिएक्ट करेगी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो अचानक से बदल जाएंगे। सभी इशारों को नोटिस करके आप किसी भी अननोन लड़की यानी कि अनजान लड़की की फीलिंग्स को समझ सकते हो कि वो आपको पसंद करने लगी हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिले।